सो हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स हैपनिंग। माय नेम इज कविम और आप सब देख रहे हैं टेक कविम। सो आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए फिर से एक ऐसी एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिससे आप ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटोज़ को आप उसमें कलर भर सकते हैं। आपकी अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट फ़ोटो पहले की, बहुत पहले सालों की रखी है, तो आप उसमें कलर ऐड कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और ये बहुत कम एमबी का ऐप है। इस ऐप की सारी डिटेल्स मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप वहां से जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप प्ले स्टोर पर पहुँच जाएंगे और वहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत सेफ और रिलायबल ऐप है। सो आप देख सकते हैं ये ऐप कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। आप देख ये यहाँ पे, और जैसे ही आप इस ऐप को प्रेस करेंगे तो ये आपको कुछ इस इंटरफेस में ओपन होता हुआ दिखेगा। और सबसे पहले ये आपसे मांगता है फ़ोटोज़ और मीडिया फाइल्स की परमिशन कि आप इसको एक्सेस देते हैं कि नहीं। सो हमें इसको एक्सेस देनी ही पड़ेगी, सो हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं। जैसे ही हम अलाउ कर देंगे तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बट हमें नीचे आप देख सकेंगे यहाँ पे कलराइज का एक ऑप्शन है, और यहाँ पे आप देख सकेंगे चूज इमेजेस फ्रॉम गैलरी, हमें इनसे मतलब है, और बाकी यहाँ पे और ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। सो हम यहाँ पे पहले कलराइज पे जैसे ही क्लिक करके देखते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कलराइज हो चुकी है। हम कितनी बार भी प्रेस कर लें ये कलराइज हो जाएगी। और आपको फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जैसे हम चूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी गैलरी ओपन कर लेगा। इसीलिए हम लोगों से इसने अलाउ की परमिशन मांगी थी गैलरी की। और अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस डाउनलोड किए हैं जो ब्लैक एंड वाइट है पूरी। सो आप देख सकते हैं ये फ्लावर, ये पूरा ब्लैक एंड वाइट मैंने डाउनलोड किया। आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लैक एंड वाइट है, और जैसे ही मैं इस पर प्रेस करूँगा ये यहाँ पे कुछ इस तरह के पहले ये लोडिंग होगी और यहाँ पे कलराइज हो जाएगा, धीमे धीमे कलराइजेशन के लिए चला जाएगा। और यहाँ पे लिख के आ रहा है कुछ सेकंड आप रुकिए, ये अपने सर्वर से देखता है कि कैसे कलराइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं आप, जैसे ही कुछ देर बाद अपने आप ही कलराइज हो चुकी है इमेज। आप देख सकते हैं ये थोड़ी ब्लर इमेज आ रही है, तो मैं आपको एकदम क्लियर इमेज दिखाता हूँ। बट पहले आप इसी को अनकलराइज करके कुछ इस तरह की दिखेगी, और कलराइज करके कुछ इस तरह की दिखेगी। अब मैं आपको बिना ब्लर कोई एकदम अच्छी सी इमेज दिखाता हूँ आपको कैसे इसको कलराइज करना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे विदाउट ब्लर एक अच्छी सी इमेज निकाल ली है, और अब ये यहाँ पे कलराइजेशन के लिए देख रहा है कि इसको कौन कौन से कलर भरने होंगे। सो जब तक ये चेक करता है तब तक मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे पूरा ये सेलेक्ट कर लेगा कलर, तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर। एंड फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं इसने आसानी से ये पिक्चर एकदम कलराइज कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पे जो नीचे कलराइज वाला बटन है, जैसे ही हम लोग इस पर फिर से प्रेस करेंगे ये पुरानी वाली पिक्चर बन चुकी है, और जैसे ही हम इस पर फिर से प्रेस करेंगे ये एकदम न्यू ब्रांड एकदम कलराइज एकदम पिक्चर बन चुकी है। आपको ये लग भी नहीं रहा होगा कि ये ब्लैक एंड वाइट पिक्चर थी पहले। और आपको अगर यहाँ पे इसे सेव करना है या फिर शेयर करना है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर करने का ऑप्शन है। आप देख सकते हैं ये रहा शेयर करने का ऑप्शन, और इसी के बगल में आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है। सो जैसे हम लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम लोग अपनी गैलरी में फिर से पहुँच जाएंगे दूसरी इमेज के लिए, पर हम पहले इसको सेव करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे थ्री डॉट्स को क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री डॉट्स जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वैसे हम लोग को यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिल चुका है। सबसे ऊपर फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं ये रहा सेव का ऑप्शन। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे हम लोगों की इमेज सेव होने लग जाएगी। पहले हम लोग को इसका नाम कुछ भी लिख लेना होगा, जैसे हम नाम को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हम जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे हमारी इमेज सेव हो चुकी है। मैं आपको सेव हुई इमेज भी दिखा देता हूँ। एंड फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जैसे ही अपनी फाइल मैनेजर खोली है वहाँ पे हम लोग को ये डाउनलोड में मिल चुकी है हम लोगों की ये पूरी पिक्चर डाउनलोड फोल्डर में। आप देख सकते हैं इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दूँ, थोड़ी ब्लर है, पर आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से डाउनलोड हो चुकी है एकदम कलराइज इमेज। आपने पहली इमेज भी देखी थी, और आप देख सकते हैं ये इमेज कितनी साफ से डाउनलोड हो चुकी है। मैं आपको एक और इमेज करके दिखाता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। हम लोग जैसे यहाँ पे ऐप को खोलेंगे हम लोग परमिशन को ग्रांट करेंगे, उसके बाद हम लोग चूज इमेजेस फ्रॉम गैलरी में जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ हम लोगों की गैलरी खोल देगा। इसीलिए इसने परमिशन मांगी थी पहले, और फिर आप देख सकते हैं मैंने दूसरी इमेज डाउनलोड कर रखी है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे ये कलराइजेशन के लिए अप्लाई कर देगा, या और ये ऑनलाइन ऐप है, सो आप इसको नेट के साथ ही यूज़ कर पाएंगे, वरना ये नेट के बिना यूज़ नहीं हो पाएगा। ये यहाँ पे सर्वर से अपने
क्वेरी कर रहा है, और जैसे यहाँ पे ख़त्म होती है इसकी बात तो फिर आप लोगों को ये कलराइज इमेज दिखा देता है। मैं इस समय आपको बिना कट करे दिखा देता हूँ कि ये कलराइज कैसे करता है। अभी आपको नीचे लिख के आ रहा है डाउनलोड इमेज फ्रॉम कलराइज, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन लिख के आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज्ड 3 of 10 कलराइजेशन, ऐसे बहुत सारे बार बार लिख के आएंगे जब तक ये 10 तक नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसे जैसे लिख के आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों की इमेज कलराइज हो चुकी है। आपने देखा कुछ ही मिनटों में हम लोगों की कलराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। ये पहले की इमेज थी और ये कलराइजेशन की इमेज है। आप देख सकते हैं एकदम सही इसने कलराइज किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये जो ऐप के मेकर हैं उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके इस इमेज को कलराइज कर दिया है। सो अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं अब आपको इस ऐप की डिटेल्स बता देता हूँ सारी। सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इस ऐप का नाम है कलराइज इमेजेस, एंड ये ऐप सिर्फ और सिर्फ 6.6 MB का ऐप है। तो आप इसे आसान से डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिलियन प्लस डाउनलोड हैं इसके, और इसकी 4.2 की रेटिंग भी है। तो आप इसे आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे कलराइज इमेजेस वैसे ही आपके सामने ऐप आ जाएगा, और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा चेक करके, तो आप इसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये ऐप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है टेक्नोलॉजी ऐप्स के ऊपर, सो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। उसमें भी बहुत नए नए तरह के ऐप हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर टू लीव अ लाइक ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, कमेंट बिलो ऑन दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। सो बाय।